बहराइच हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दिया है। सीएम योगी ने साफ कहा, माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रवियों की पहचान की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, सभी को सुरक्षा की गारंटी है, ये बात कही है। तो गुनहगारों को हम बख्शेंगे नहीं और सभी की सुरक्षा की गारंटी का जिक्र किया। माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। तो बहराइच में जो बवाल किया गया, आखिरकार किसकी साजिश थी, बड़ा ये सवाल उठ रहा है, आखिरकार बहराइच क्यों जला है, क्यों धधका है। बहराइच में माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थाना अध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा का, भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी, यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए। कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बहराइच में किसने साजिश रची। दुर्गापुर मूर्ति विसर्जन के दौरान जो बवाल हुआ है उसमें विसर्जन जुलूस पर पथराव किया गया है, बोतल से पत्थर से हमला किया गया है और पथराव के बाद कई राउंड फायरिंग भी इस जुलूस पर की गई है। और इस कई राउंड फायरिंग में एक युवक की मौत हुई है। चश्मदीदों ने बयान दिया कि छतों पर पत्थर रखे हुए थे। पथराव फायरिंग से लोगों का गुस्सा काफी भड़का है, फूट पड़ा उनका गुस्सा और भीड़ ने तोड़फोड़ की, आगजनी की और पुलिस ने भीड़ पर लाठियां छोड़ी हैं, लाठियां भांजी हैं। इस बीच घटना के बाद से इलाके में जो तनाव के हालात हैं उसको लगातार पुलिस मॉनिटर कर रही है। पुलिस भीड़ पर इस बीच लाठी चार्ज किया है। तो बहराइच में इस बीच साजिश के भी कई सारे सबूत निकल कर सामने आए। सवाल इस इन सबके बीचों बीच है कि साजिश करता कौन है बहराइच में। बेगूसराय से खबर है जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ और इस बीच पत्थरबाजी की भी जानकारी सामने आई है। पत्थरबाजी के दो पक्षों में जम करके मारपीट हुई है। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने हुड़दंगियों पर लाठीचार्ज किया है। झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो मूर्ति विसर्जन का मौका, इस दौरान पत्थरबाजी और दो पक्षों में जमकर मारपीट के हालात इस बीच यहां पर नजर आए हैं। हुड़दंगियों पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस द्वारा। मूर्ति विसर्जन के मौके पर, माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के मौके पर यहाँ पर तमाम लोग एकत्रित थे और इस दौरान ये पत्थरबाजी के हालात हैं। दो पक्षों में मारपीट जमकर हुई है। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को काबू में किया है। पत्थरबाजी हुई है बेगूसराय में भी, दो पक्षों के बीच घमासान हुआ है, पुलिस ने हालात को काबू में किया।